टॉप 10 अमेजिंग मिथ्स इन कारफोर सेल सिमुलेटर। तो यार काफी टाइम बाद में कारफोर सेल के मिथ्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी को पता है कल मैंने गेम को अपडेट भी करा था, बट आप सभी को मैंने उस वीडियो के अंदर काफी सारे बग्स दिखाए थे उस वर्जन के अंदर। इसीलिए गाइज मैंने कारफोर सेल का ओल्ड वर्जन वापस से डाउनलोड किया और इसके अंदर अच्छे से मिथ्स को रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे वो जो बैगर है वहां पर बैठा हुआ है मेरे पास में। अभी यार मैंने कारफोर सेल का न्यू वर्जन डाउनलोड करा, मतलब ओल्ड वर्जन डाउनलोड करा, तो यहाँ पर मेरा गेम पूरा रीसेट हो चुका है। तो स्टार्टिंग से अभी इसको मैं हायर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक्सपी की ज्यादा जरूरत है और ये कचरा उठा के अपनी एक्सपी को छीन लेता है। और इसके पास ये पैसे कहां से आ गए भाई। खैर गाइस आज मैं आपको कारफोर सेल के अंदर बहुत खतरनाक ग्लिचेस भी बताने वाला हूं जो कि आप ही लोगों ने कमेंट किए हैं। मिथ नंबर 1 और सबसे ज्यादा खतरनाक मिथ मुझे यही लगा गाइस, ध्यान से सुनना। मिथ, अगर आप अपनी कार को मैप के एंड बॉर्डर पर ले जाकर एग्जिट करोगे तो आप मैप के बाहर चले जाओगे। भाई सुनने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है तो भाई देखने में कितना मजा आएगा, लेट्स गो। तो अभी मैंने ओडी R8 को ले लिया, अब जल्दी से चलते हैं मैप के बॉर्डर एंड पर। आप सभी को पता होगा कि हम किसी भी दीवार के साइड में अगर कार को लगा के एग्जिट करें या तो हम उस दीवार के अंदर चले जाते हैं या फिर हवा में ऊपर उछल जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है जैसे कि यार भाई ने कमेंट के अंदर बताया। तो यहाँ पर मैप एंड कहाँ पर होगा, मैं अपनी कार को डैमेज नहीं करना चाहता बस, बिकॉज इस पे मैंने बहुत पैसा लगाया यार। अभी मैं गरीब हो चुका हूँ आप सभी को पता है वापस से, और बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे कमाए। चलो भाई मैप एंड बॉर्डर आ गया, बस टच हो जाए एक बार कार। अबे कहाँ पर, ओके टच हो गई कार। अब यहाँ पर अच्छे से एकदम वर्टिकली लगा देता हूँ इस कार को मैं। चलो भाई चिपक चुकी है, अब सिंपली मुझे एग्जिट बटन दबाना है और मैप। भाई ये मैं क्या रियली में गाइस मैं मैप के बाहर आ चुका हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई। ये देखो अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो भाई नीचे गिरूंगा सीधा। क्या बात है यार, ये तो नकली पिक्चर लगा रखी है यहाँ पर। और मैं गया भाई नीचे। भाई यार ये क्या सीन है, ये मैं भाई ये गया मैं यहाँ पर वॉइड में आ चुका हूँ, कारफोर सेल के वॉइड में आ चुका हूँ। गाइस इतने टाइम अपन यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग के वॉइड में गिर रहे थे, लेकिन भाई फाइनली कारफोर सेल के वॉइड में अपन गिर चुके हैं। लेकिन ये वॉइड अगर एंड, इसका कोई एंड है या फिर ये एंडलेस है मुझे नहीं पता यार, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अपना कैरेक्टर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा, रुका हुआ पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरा ब्लर हो रुका है ये। एक सेकंड यहाँ पर मैं कोई आइटम, ये यार ऐसा लग रहा है कि मैं खड़ा हूँ कहीं पर, आईपैड निकाल के देखूँ तो। अरे नहीं नहीं गिर रहा हूँ गाइस, अभी मैं देखो आईपैड पूरा ग्लिच हो रहा है, लेकिन मैं जा कहाँ पर रहूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। ये मुझे लग रहा है एंडलेस है गाइस, क्योंकि यार कुछ मोशन ही नहीं दिख रहा है, कुछ मूवमेंट होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, बस यहाँ पर पता नहीं यार मैं क्या हवा में रुका हुआ हूँ, नीचे जा रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, अजीब सा वॉइड है। चलो एक बार रिस्पॉन करते हैं और दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, वहां पर हम मैप के बाहर निकलेंगे और देखेंगे वहां पर क्या होता है। तो गाइस मैंने अपनी पोर्श्चे को ले लिया है और ओडी को मैंने पता नहीं कहाँ पे रखा था, दिखाई नहीं दे रही भाई, कहाँ गई मेरी ओडी, ये रही भाई लोड ही नहीं हुई थी, मैंने कहा भाई कहाँ के चली गई। तो चलो भाई अपनी ओडी मिल गई, अब इसे जल्दी से ससुराल भेजते हैं और इस बार अपन ट्राई करेंगे पोर्चे को, लेकिन यार ये वाली लोकेशन पे नहीं, कहीं और चलते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं फिर देखेंगे यार कहाँ पर जाऊँ। एक काम करता हूँ पीछे की साइड से चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं ड्रैग रेस के पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, मुझे देखना गाइस इस पत्थर के अपन ऊपर चढ़ सकते हैं या फिर आर पार चले जाएंगे मुझे नहीं पता, चल के चेक करते हैं। तो अपन यहाँ पर मैप के बाहर फिर से आ चुके हैं और ये मैं पत्थर के अंदर आ गया, जैसा कि मैंने बोला था आपको पत्थर के अंदर आ गया गाइस मैं। लेकिन ये भाई ये मैप इतना बड़ा कैसे लग रहा है, ये ग्रास के पार जा सकता हूँ। अरे भाई साहब थोड़ा और है यहाँ पर, एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर, लेकिन इसके आगे मैं गया तो नीचे गिरूंगा पक्का। और ये कितने यार भाई एकदम ब्लरी इमेजेस लगाए हुए हैं ग्रास के, भाई पागल समझाया गया हमको। और गाइस एक बार नीचे देखो, ऐसा लग रहा है ये जो मैप है ना आसमान की ऊंचाइयों में बना हुआ है, बिकॉज नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा, कितना ऊपर है अपन और सामने बड़े बड़े पहाड़ है बर्फ के। एक काम करते हैं गाइज, मुझे ये भी चेक करना है कि हम वापस से गाड़ी में बैठ सकते हैं या फिर नहीं। अबे ये क्या हुआ यार, यहाँ पर डबल इनविजिबल वॉल है यार, हम आ तो सकते हैं इसके आर पार लेकिन वापस नहीं जा सकते, ये क्या बात हुई भाई, इतनी चौड़ी वॉल लगाई यहाँ पर, देखो वापस जा ही नहीं पा रहा मैं भाई, कितनी भी ट्राई कर लूँ देखो हवा में चिपक चुका हूँ लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा यार ये। तो भाई इसका मतलब मुझे कैरेक्टर को वापस से रिस्पॉन करना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट कुछ भी हो गाइज ये वाली जो मिथ है ना एकदम कन्फर्म्ड है। ओके मिथ नंबर 2 और गाइस ये भी काफी खतरनाक मिथ है, ध्यान से सुनना। मिथ, अपनी कार को दूसरी कार से ठोकर मार के उल्टा करने के बाद कार पे चढ़कर जंप करो मैजिक होगा।
तो गाइज कार को ठोकर मार के उल्टा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए गाइज मैं आ चुका हूँ कार मार्केट में। यहाँ पर दो खटारा कार मैं बाय करूंगा और उनको थोड़ी सी मॉडिफाई करा के भाई वो जल्दी से उल्टा भी हो जाती है। ये मैंने चेक भी किया है, मतलब ट्राई करा हुआ है मैंने पहले। तो एक तो मुझे ये SUV खटारा लग रही है, इसको ले लेते हैं और जहां तक मुझे लगता है ये उल्टी हो जाएगी। अब इस गाड़ी को पलटी कराने के लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करा लेते हैं जल्दी से। मॉडिफिकेशन क्या करानी, सबसे पहले रेसिंग किट तो डलवानी है इसके अंदर और टर्बो भी डलवाना है। गाड़ी स्पीड में होनी चाहिए, उसका सस्पेंशन जो है ना वो फुल कर देना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अपडेट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, कल या फिर परसों, कि भाई सस्पेंशन कैसे काम करते हैं। तो ये तो आपको, अबे यार मैं कार डाल दी यार कार गलती से, अरे भाई साहब ये तो यहाँ पर ही पलटी हो गई, चलो इसको बाहर लेके चलते हैं। भाई सस्पेंशन बहुत खतरनाक काम करते हैं। और भाई 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 साहब यहीं पर पलट रही है तो, बट यार ये टेढ़ी हो जा रही है यार, मुझे पूरा उल्टा करना है इसको यार, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। अब वापस से अंदर कैसे बैठूं इसके? गाइस यार मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन यार ये पूरी पलट ही नहीं रही यार। मैं भाई दो गाड़ियां लेके आया था, एक तो बिल्कुल ही बेकार थी और ये भी नहीं पलट रही भाई। अब मैं क्या करूं यार, अब गाड़ी को मैं ठोकर भी मार रहा हूं तो भी नहीं पलट रही भाई। और एक तो मुझे मैजिक भी नहीं पता भाई, मैजिक क्या होने वाला है। काम करता हूं ट्रक के ऊपर से, अबे यार इसके ऊपर भी नहीं चढ़ सकता यहां से अगर मैं डायरेक्ट, नहीं यार यहां से, अरे हां आईडिया, यहाँ पर मैं लॉन्ग जंप भी तो मार सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ से स्पीड में जाके जंप करूँ तो लॉन्ग जंप। और अबे यार भाई थोड़ा सा रह गया बस यार, कैसे चढ़ूँ इस गाड़ी को, ये क्या हुआ, अबे मुझे टेलीपोर्ट करा इसने, वो व्हाट, ये क्या हुआ भाई साहब, ओ भाई साहब ये मैं कहाँ गया भाई, ये क्या है, ये रियलिस्टिक ग्राफिक कैसे हो गए भाई, ये क्या है इतने यार भाई, ये कैसे हुआ, मुझे वापस ट्राई करना है, मुझे वापस ट्राई करना है, कैसे करा मैंने बस यहाँ पर ओके बस इस, अरे यार ये तो छोटी जंप हुई, एक बार वापस ट्राई करते भाई, ये काफी खतरनाक चीज है, कैसे करा मैंने, अबे यार ये टायर के ऊपर ही जंप करा है बस मैंने, और कौन सा टायर था, इस पे नहीं हो रहा यार, इस पे तो टेलीपोर्ट कर रहा है, इस पे करते हैं इस पे, और ये जंप करी मैंने और फिर से करता हूँ एक बार, ओ भाई लाइट स्पीड से ऊपर आया हूँ मैं भाई, इसकी भैंस की भाई, ये क्या है, ये देखो गाइस ये पूरा यार मैप लोड हो गया एक अलग ही भाई, ये धीरे धीरे ग्रीन से एकदम रियलिस्टिक बन रहा है, ये देखो मतलब अभी भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, लगातार ऊपर जा रहा हूँ गाइस लगातार भाई, ये देखो पूरा रियल हो गया, अबे आईपैड हटना यार, ये देखो गाइस ये मैं कहाँ फंस गया भाई साहब, यार ये क्या है, ये मैप इन्होंने कहाँ पर लोड करके रखा है, एकदम रियल लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू देख रहा हूँ मैं नीचे जा रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये देखो इतना, इससे ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं सकते भाई, ये कहाँ क्या ऐड करा हुआ है भाई यहाँ पर, ये तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। ओके नीचे जा रहा हूँ मैं वापस, क्योंकि वापस ग्रीन हो रहा है, ये देखो भाई यार मज़ा आ गया यार, ये क्या ही मिथ है यार, क्या ही मिथ है भाई। और यहाँ पर मैं स्प्रे करता करता नीचे जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ अगर मैं वापस से उस गाड़ी के टायर के ऊपर, भाई इतनी तेज़ी से, अरे यार मुझे कुछ पता ही नहीं चला, बहुत तेजी से नीचे आया यार भाई, ये मजा आ गया भाई, कसम से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजेदार चीज थी ये, तो भाई ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। ओके गाइज अपना अगला मिथ है कि भाई अगर आप ड्रैग रेस करोगे तो अपना जो ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो गाइज ये चीज पता लगाने के लिए सबसे पहले मेरा देखो ऑफिस क्लोज पड़ा है, इसको सबसे पहले ओपन कर देते हैं, यहाँ पर मेरा ऑफिस ओपन है, कोई भी छेड़खानी में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अब जल्दी से पोर्चे को उठाते हैं और चलते हैं ड्रैग रेस पर, और एक ड्रैग रेस करेंगे उसके बाद वापस से ऑफिस आकर देखेंगे क्या हमारा ऑफिस क्लोज है या फिर ओपन, इसके अलावा और क्या चेंजेस हुए हैं। और हाँ अभी कार मार्केट भी ओपन है, ये भी चेक करेंगे कि कार मार्केट भी बंद हो जाता है क्या ड्रैग रेस करने के बाद, क्योंकि गाइस ड्रैग रेस के बाद काफी चेंजेस हुए हैं ये मैंने नोटिस किया है। तो अभी हम आ चुके हैं ड्रैग रेस पर और यहाँ पर फरारी पहले से खड़ी है, क्या बात है, चलो भाई इससे रेस लगाते हैं और 100% मैं इसे जीतूंगा जहां तक मुझे लगता है, लेट्स गो 1 2 3 अबे चल जा जल्दी भाग, अबे यार गियर, अरे यार गियर लेट शिफ्ट करा, बट एक सेकंड चल 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 भाई बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करूंगा, आराम से और गियर डाल भाई, डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जीत गए। तो टोटल अपन जीत चुके हैं $19,500, अभी मैं रुपए बोल रहा था यार। चलो आप जल्दी से ऑफिस में जाके चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अरे हाँ गाइस वाकई में ऑफिस अपने आप ही बंद हो गया, इसके अलावा यहाँ पर काफी लोग कचरा भी डाल के चले गए मेरे ऑफिस में, और कार मार्केट प्लेस भी बंद हो गया, व्हाट ये कैसे हो सकता है यार, अपन कोई गेम को सेव थोड़ी करके आए, अपन तो बस ओनली ड्रैग रेस करके आए थे यार, तो इस हिसाब से ये वाला मिथ कंफर्म्ड है।
मिथ ड्रैग रेस से गाड़ी को ऑफिस में लेकर आओ यानी कि टक्कर मार के लाना होगा और वापस से ड्रैग रेस करने जाओ मैजिक होगा। पता नहीं गाइस क्या मैजिक होगा, चलो चेक करते हैं। ओके गाइस अभी हम आ चुके हैं ड्रैग रेस पर और जल्दी से गाड़ी को टक्कर मार मार के लेकर चलते हैं अपनी ऑफिस पर। लेके जा पाएंगे क्या? वेरी इजी यार, ये तो बहुत इजीली मूव हो रही है, आराम से लेके चले जाएंगे। और ये पलटने वो पलट गई भाई साहब, अब तो और ज्यादा इजी जा रही है, देखो फिसल फिसल के जा रही है। चलो भाई जल्दी लेकर चलते हैं और वापस ड्रैग रेस करने आते हैं। तो ये देखो गाइस इसकी वाट लगा दी भाई, गाड़ी की पूरी टक्कर मार मार के यहाँ तक लेके आ गया। अब जल्दी से है ना गाइस ड्रैग रेस में चलते हैं और देखते हैं वो जो बंदी ड्रैग रेस करना चाहती थी अपने से, क्या वो अभी भी ड्रैग रेस करेगी? और ड्रैग रेस करेगी तो क्या गाड़ी उसके पास रहने वाली? पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत सारे सवाल हैं, चल के देखते हैं जल्दी। तो भाई ये देखो ये अभी भी यहाँ पर खड़ी, इसकी गाड़ी यहाँ पर है नहीं, फिर भी ये ड्रैग रेस करना चाहती है। भाई ये देखो गाड़ी भी शो कर रही, मतलब डिटेल्स शो कर रही, लेकिन गाड़ी इसके पास नहीं है। बट कैसे कैसे भाई? चलो गाइज ये काम करते हैं, ड्रैग रेस करके ही देखते हैं क्या होता है। गाइज मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट इसकी गाड़ी टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आ गई है क्या? देखो गाइज मेरे से रेस कर रही है। अबे भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ। उसने तो भाई स्टार्टिंग में इतनी फास्ट हो गई थी, वो भाई इससे भी फास्ट कार है क्या? भाई उस कार को लेके आना पड़ेगा भाई, गेम के अंदर देखना पड़ेगा, बहुत तेजी से गई यार वो, एक सेकंड भी नहीं लगा होगा। लेकिन अब मुझे देखना है कि भाई ओके ये लेडी तो यहाँ से गायब हो चुकी है, जल्दी से ऑफिस चलते हैं और देखते हैं वो कार भी अभी तक वहीं पर पड़ी है या फिर कुछ मैजिक हुआ है। नहीं यार साथ में कार भी गायब हो गई यहाँ से, और देखो ड्रैग रेस करके आया तो भाई कूड़ा कचरा भी डाल दिया लोगों ने, तो भाई ये वाली मिथ बस्ट है। मिथ, अगर आप पोर्स को येलो कलर करके पॉलिश करोगे तो भाई वो गोल्ड कार लगेगी। भाई ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा। तो गाइस एक बात बताऊं, ये दोनों कार पोर्स और ओडी R8 मैंने स्पेशली आपके मिथ्स के अकॉर्डिंग ही मतलब परचेस करा बहुत मुश्किल से भाई स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आज ही मैंने गेम इंस्टॉल किया और अभी के अभी मैंने यहाँ पर $1 million भिड़ा दिए हैं भाई, कसम से $1 million। और आई थिंक मैं 2 फरारी बेच चुका हूँ, पोर्शे तो कितनी बारी बेच चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने इसका बाय डिफॉल्ट कलर सेट किया हुआ और पॉलिश तो पहले से ही करा हुआ है, लेकिन अब मुझे इसका येलो कलर करना है और देखना है कि भाई ये तो लाइम कलर हो गया यार। एक सेकेंड थोड़ा सा पीछे भाई, अरे हो जा यार भाई अभी तो ओके ये थोड़ा सा लग तो रहा है गोल्ड कलर। चलो अब मुझे इसको पॉलिश करना है, पहले कलर सेट कर लेते हैं। ओके तो पॉलिश ये वाली ऊपर वाली तो फुल है स्मूथनेस वाली, और नीचे वाली भाई ये थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अगर मैं ये करूं, एक सेकंड करके देखते हैं, बाहर लेकर चलते हैं फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में गोल्ड हुआ है या फिर कुछ और ही हो गया है। बस थोड़ी सी सनलाइट इसके ऊपर, भाई यार क्या ही लुक है भाई, ये देखो रियल में यार ये तो गोल्ड कलर लग रहा है यार। अगर मैं कोई भी गाड़ी को अगर ऐसे पॉलिश कराए तो वो तो गोल्ड कलर बन जाएगी यार, मस्त लग रहा है एकदम। और इसको चलाने में भी यार अलग ही मजा आ रहा है। लेकिन सही बात बोलूं तो इसका बाय डिफॉल्ट कलर मुझे ज्यादा पसंद आता है, मतलब जो क्लासिक कलर होते हैं ना कार के वो मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। वैसे आपका फेवरेट कलर क्या है मुझे कमेंट में बताना। बाय द वे गाइस ये वाली मिथ कंफर्म्ड है। ड्रिफ्ट किट और डिफॉल्ट किट लगाते हो तो ऑडी R8 में आप NOS यानी कि नाइट्रोस इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि ऑडी R8 के अंदर कोई भी नाइट्रोस नहीं लगते हैं, लगा ही नहीं सकते नाइट्रोस इसके अंदर, लेकिन बाकी सारे फीचर्स जरूर इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे कि रेसिंग किट हो गया, ड्रिफ्ट किट हो गया, बाकी सारे जो भी फीचर्स है सब इंस्टॉल हो जाते हैं सिवाय NOS के, ठीक है। तो यहाँ पर भाई का कहना कि अगर डिफॉल्ट किट और ड्रिफ्ट किट में NOS लगता है, तो अभी मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट किट लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये NOS का फीचर आप देख सकते हो भाई ब्लॉक्ड है, तो मतलब डिफॉल्ट किट में नहीं लगता है। और भाई ने एक और चीज बोली थी कि ड्रिफ्ट किट में भी NOS लगता है, चलो यहाँ पर रेसिंग किट में तो नहीं लगता, ये तो सबको पता है। अब ड्रिफ्ट किट बाय कर लेते हैं और देखते हैं भाई कि इसके अंदर NOS लगता है या फिर नहीं। नहीं भाई इसके अंदर भी नहीं लग रहा है यार, और यहाँ पर मैं टर्बो इंस्टॉल करता हूँ एक बार, क्या पता है जिसके बाद NOS लग जाए, क्योंकि ड्रिफ्ट किट तो मैंने लगाई नहीं भाई, इसके अंदर नाइट्रोज हम लगा ही नहीं सकते ओडी R8 के अंदर, ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, अगर आप ओडी R8 को रिपेयर करते हो और इसके नीचे जाते हो तो आपको ओडी का लोगो दिखेगा, लोगो तो भाई लोगो तो यार किसी कार में नहीं दिखता है, लेकिन अगर इस कार में ओडी का लोगो दिखता है तो भाई जल्दी जाकर चेक करते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हो मैंने ओडी को एकदम चकाचक साफ करके रखा है, 0 damage है, फ्यूल भी 100% है, A1 सर्विस करके रखी है। एक सेकेंड अभी चल क्यों नहीं रही यार, मैंने इंजन तो स्टार्ट कर दिया ना, हाँ स्टार्ट इंजन, बट चल क्यों नहीं रही ये, अभी ये क्या हो गया यार? भाई चल जा, अबे यार गाइस लगता है मुझे यहाँ पर कोई ग्लिच हो गया यार, अबे चल गाड़ी क्या हो गया तुझे? एक सेकंड भाई यार फ्यूल खत्म है भाई, मैं बोल रहा हूँ 100% फ्यूल है।
चलो भाई फ्यूल भर दिया मैंने इसके अंदर, अब जल्दी लेके चलते हैं। अब यार 0% डैमेज है तो भाई ठोकनी पड़ेगी सामने ले जाकर जोरदार टक्कर के साथ। ओके चलो भाई डैमेज हो गई, तो लोगो हमें इसके नीचे दिखाई देगा तो जल्दी से रिपेयर करवाते हैं माइकल से। चल भाई माइकल गाड़ी उठा दे हवा में। और लोगो 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 कहाँ पर, इंजन पे चिपका हुआ है क्या लोगो? तो गाइस नहीं दिख रहा है मुझे कहाँ पर। एक सेकेंड, ये क्या देखा मैंने अभी, एक वापस चल। ये भाई ये क्या, ये कैसे लगाए हुआ है लोगो? अबे ये यहाँ पर। ओके गाइस मैं समझ गया, मतलब यार सभी गाड़ियों पे ना पहले लोगो लगने वाले थे लेकिन कॉपीराइट की वजह से आई थिंक यहाँ पर लोगो को रिमूव कर दिया गया होगा। लेकिन इसका जो ऑडी R8 का जो ग्लिच ओके नीचे लग चुका है लोगो, तो वो प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ है, तो भाई इसीलिए यहाँ पर लोगो नीचे दिख रहा है आपको। भाई काफी फनी चीज है यार ये यार मजा आ गया देखकर। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मित, अगर आप कोई कार को $1 में सेल करते हो तो आपका $1 अकाउंट में ऐड ही नहीं होगा। व्हाट भाई, एक तो कार सेल कर रहे हैं वो भी $1 में और ऊपर से अकाउंट में भी ऐड नहीं होगा, ऐसे की तैसी कर दूंगा, ऐसे कैसे ऐड नहीं होगा? तो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर मैं अपनी ओडी R8 और Porsche को तो बिल्कुल भी $1 में सेल नहीं करने वाला हूँ। भाई इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं और बहुत मुश्किल से मैंने इकट्ठा करी है, क्योंकि गाइस मैंने गेम को आज इंस्टॉल किया है। तो अभी हम चलने वाले कार मार्केट और एक खटारा सी गाड़ी लेके, मतलब नॉर्मल सी गाड़ी लेके आएंगे, 50,000 तक की चल जाएगी आई थिंक। तो चलते हैं जल्दी से और लेकर आते हैं। तो ये वाली गाड़ी गाइस मुझे सही लग रही है और इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई होगा जहां तक मुझे लगता है। भाई इसका नाम एक तो बहुत अजीब सा है, रोगनी R7, भाई नाम भी नहीं लिया जाता मुझसे। तो चलो गाइस अब जल्दी से टेलीपोर्ट करते हैं इसको ऑफिस में, रिस्पॉन बटन दबाना है बस। ओके आ चुके हैं, अब जल्दी से चलते हैं ऑफिस में। लेकिन उससे पहले गाइस ये वाली गाड़ी को मैं ना एकदम प्रॉपर रेडी करके बेचने वाला हूं $1 में, क्योंकि यार काफी लोग मुझे चैलेंज भी दे रहे थे कि भाई $1 में गाड़ी सेल करो, $1 में गाड़ी दे दो। तो भाई थोड़ी सी एकदम खातिरदारी करते हैं पहले गाड़ी की और लेने वाला भी खुश हो जाएगा एकदम। तो गाइस गाड़ी एकदम टकाटक हो चुकी है, अब जल्दी से इसको सेल पे लगाते हैं और कंप्यूटर को मैं भाई बाहर से ही एक्सेस कर लेता। तो यहाँ पर कौन सी कार थी, सबसे नीचे वाली, तो यहाँ पर देखो आपके सामने मैं $1 डाल रहा हूँ ताकि भाई बाद में मुकर मत जाना कि भाई $1 नहीं डाला है। चलो ठीक है $1 डाल दिया। अब यहाँ पर हमें कस्टमर का वेट करना है और जो भी पहला कस्टमर होगा उसी को ये कार मिलेगी, उसके बाद जो भी आएंगे उनको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और गाड़ी को थोड़ा सा चमका भी देते हैं बिकॉज लेने वाला गाइस एकदम खुश हो जाएगा, भाई ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। और मुझे ये भी देखना कि अगर हम किसी को गाड़ी सेल करें $1 में तो उसका कोई रिएक्शन होता है या फिर नहीं, अगर रिएक्शन ऐड होते हैं तो भाई और ज्यादा मजा आएगा। ओके गाइस यहाँ पर एक कस्टमर आ चुका है और भाई एक और कस्टमर आ गया, क्या बात है भाई, दो दो, बट इसको ही मैं सेल करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो $1 में लेने के लिए रेडी, भाई एक और कस्टमर आ गया। बट एक सेकेंड, यहाँ पर भाई एक काम करता हूँ, इससे मैं बार्गेन करके $1 बताता हूँ फिर से, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। चल भाई $1 का तुझे बार्गेन कर रहा हूँ मैं, बता। और ये सोच रहा है बे, अबे भाई भिखारी गाड़ी लेके भाग गया यार, कोई रिएक्शन भी नहीं दिया भाई यार, क्या है? इतनी मेहनत करी थी मैंने भाई, लेके भाग गया नूब। और भाई सारे कस्टमर खाली हाथ चले गए बेचारे, और मेरे अकाउंट में $1 ऐड भी हो चुका है जबकि भाई बोल रहा था कि कोई डॉलर ऐड नहीं होगा। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, अगर किसी कार को सिर्फ पेंट करा दे तो नॉर्मल कार से ज्यादा प्राइस में उस कार को बेच सकते हैं। तो गाइस ये अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा मिथ है और ये कंफ्यूजन हर एक प्लेयर के मन में रहता होगा, तो आज इसको दूर करते हैं चलो। तो उसके लिए गाइस मैं अपनी या तो Porsche या फिर ओडी R8 को ही सेल पे लगाने वाला हूँ, लेकिन सेल नहीं करूंगा मैं, एक ट्रिक लगाने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइस क्या करूंगा मैं, Porsche को है ना सेल पे लगाऊंगा विदाउट कलर के, जैसे कि अभी आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट कलर में है ये, और इसको मैंने यहाँ तक कि पॉलिश भी नहीं करवाया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी जस्ट परचेस करके लाया हूँ इसको और यहाँ पर इसके ऊपर पेंट भी लगा हुआ है, मतलब कि मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। तो चलो गाइस Porsche को लगाते हैं सेल के ऊपर और इसका प्राइस मैं रखने वाला हूँ, पता नहीं कितना रखूंगा। तो इसकी प्राइस देखते हैं पहले, ओके $140,000 है ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका प्राइस रखने वाला हूँ $3,50,000। तो आई थिंक इतने में तो ये बिक जानी चाहिए और देखते हैं कस्टमर इसका कितना प्राइस बताते हैं। तो टोटल मैं 3 कस्टमर का वेट करने वाला हूं। तो गाइस काफी टाइम वेट करने के बाद चलो एक कस्टमर आ चुकी है और देखते हैं गाइस ये अपनी पोस्ट का कितना प्राइस बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस बता रही है $2,30,000 ओनली। तो देखा जाए तो गाइस ये वाला जो प्राइस है ना बहुत ही ज्यादा कम है, हम यहाँ पर दूसरे कस्टमर का वेट करते हैं। ओके गाइस दूसरा कस्टमर भी आ चुका है, अब देखते हैं भाई ये कितना प्राइस बताता है, अगर इसने हाई प्राइस बताया तो भाई मजा ही आ जाएगा।
अरे यार ये भी इतना ही बता रहा है, लगभग यहाँ पर 234 बता रहा है, मतलब $4,000 ज्यादा। नहीं नहीं इसको भी सेल नहीं करेंगे, एक और कस्टमर का वेट कर। ओके भाई ये तो हाथों हाथ ही आ गया यार। चलो भाई इससे भी प्राइस पूछ लेते हैं, और ये अपना लास्ट कस्टमर है ठीक है, उसके बाद हम गाड़ी को पेंट करवाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना प्राइस बताएगा? हाँ भाई 3.5 लाख की बेच रहा हूँ, तू बता भाई। ओके लास्ट यहाँ पर अपन को प्राइस पता चल चुकी है $2,37,000, इससे ऊपर कोई प्राइस बता ही नहीं रहा है। तो अब चलो जल्दी से यहाँ पर पोस्ट को निकालते हैं रिमूव फ्रॉम सेल, और उसके बाद यहाँ पर इस कार को करवाते हैं पेंट यानी कि कलर, और यहाँ पर फिर से सेल पे लगाएंगे, और फिर देखेंगे अगले कस्टमर का रिव्यू कि वो इसका कितना प्राइस बताते हैं। और गाइस मुझे भी ये जानना है कि भाई कार्स को कलर कराने से, रिपेयरिंग कराने से, ट्यूनिंग कराने से प्राइस वाकई में बढ़ती है या फिर कुछ और ही मामला है, या फिर सेम ही रहती है, देखना पड़ेगा वो। तो सबसे पहले मैं कार का कलर एकदम अलग ही करूंगा, एकदम पर्पल और थोड़ा सा पिंक टाइप। ओके ठीक है, सही लग रहा है ये, और इसकी स्मूथनेस भी बढ़ाएंगे, बस इतनी काफ़ी है। और इसको फुल कर देते हैं, नहीं यार चलो यार ठीक लग रही है, ये काफ़ी सही लग रही है। तो अभी ओनली हमने कलर ही करवाया है, क्योंकि कमेंट में यही लिखा था कि कलर करवा के सेल करोगे तो प्राइस बढ़ जाता है। चलो अब जल्दी से इसको वापस से सेल पे लगाते हैं, और 3 कस्टमर का वेट करते हैं और देखते हैं उनका रिव्यू क्या है। और वापस से गाइस इसका प्राइस में 3,50,000 ही रखने वाला हूँ, प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे। चलो भाई अब कस्टमर का वेट करते हैं। ओके गाइस यहाँ पर एक साथ दो दो कस्टमर आ चुके हैं। चलो भाई पहले इस मैडम जी से पूछते हैं कि भाई आप कितना प्राइस बता रहे हो। ओके ये तो भाई ये तो और कम बता रही है, 2,27,000। पहले जो 3 कस्टमर आए थे वो तो इससे ज्यादा बता रहे थे यार। इसका देखते हैं इसका क्या मामला है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा बताएगा। व्हाट 1,86,000 भाई, मजाक चल रहा है क्या? 2,37,000 से 1,86,000 ये क्या हो गया? अबे यार एक और कस्टमर आया, अभी कौन सी मैडम है भाई, आगे वाली है पीछे वाली है, क्या कंफ्यूजन है भाई। एक ही टाइम पर दो दो सेम कैरेक्टर भेज दिए मेरी दुकान पर यार, जुड़वा बहने लग रही मुझे तो। चलो यहाँ पर देखते, अरे भाई 195,000 भाई, ये प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कलर करवाया है भाई, गाड़ी पर खर्चा करा है, पैसे बढ़ाओ, ये क्या मजाक चल रहा है यार। 3 कस्टमर का रिव्यू लिया और पहले से भी कम प्राइस दे रहे हैं, तो भाई ये वाला मिथ तो भाई बस्ट हो चुका है। मिथ, कार को स्पीड में कंटेनर से ठोकने से पहले एग्जिट कर दो, कार आर पार चली जाएगी, मतलब कंटेनर के। और कंटेनर तो पूरे गेम के अंदर एक ही है, और वो है अपना बसेरा। तो भाई मिथ के अकॉर्डिंग हमें स्पीड में आना है और एकदम से एग्जिट कर देना है, तभी यहाँ पर ये कंटेनर के कार आर पार चली जाएगी। तो यार बहुत ही मज़ेदार लग रहा है यार। चलो भाई आई थिंक इतनी जगह काफ़ी होगी, क्योंकि पीछे तो पहाड़ आ गए, उबड़ खाबड़ है, और ये मैंने करा एग्जिट। अबे ये तो ठुक गई जाके यार, आर पार नहीं हुई, आर पार तो नहीं हुई। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन चलो गाइस इस बार थोड़ी दूर से आएंगे और फिर से ठोकते हैं। बस मुझे डर ये है कि भाई कार पलट ना जाए, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं ना, कार पलटनी नहीं चाहिए बस, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो भाई इतनी दूरी आई थिंक काफ़ी होगी। चलो भाई अब यहाँ पर ठोकने वाले कंटेनर को, भाई इसके अंदर बूस्ट होता तो और ज़्यादा मजा आता। अबे अबे कार आ गई, अरे हट भाई, बच गया। और अबे यार ये तो फिर से ठुक गई भाई, ये क्या मजाक है यार, ये तो बिल्कुल ही। एक सेकेंड, अगर मैं साइड से मारूँ कंटेनर पर तो क्या घुसेगी? नहीं भाई यहाँ पर स्पीड कम थी। चलो गाइस अब यहाँ पर इस बार लेफ्ट में ठोकेंगे और स्पीड में एकदम, और नहीं यार ये वाला मिथ बस्ट है। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट में मिथ्स बता दो यार, अगली वीडियो में ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।